हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लॉक से रिलेटेड टॉपिक है। क्लॉक्स में जो टाइम गेन होगा, मिनट हैंड आर एंड का जो गेन से रिलेटिव गेन क्या होगा, एक्चुअल गेन क्या होगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिंपल इंट्रोडक्शन क्लॉक। वैसे तो क्लॉक के बारे में सबको पता है क्लॉक क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मल इंट्रोडक्शन में, क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज्ड इन अवर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में आप सभी क्लॉक को यूज करते हो, बार बार देखते हो कि टाइम क्या हुआ है। तो इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है मेड बाई मैन एंड फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लॉक, और क्लॉक में हम क्या करेंगे, एंड ऑल ऑफ अस क्वाइट फेमिलियर विद द शेप एंड वर्किंग ऑफ द क्लॉक। आप सभी फेमिलियर हैं कि क्लॉक जो है कैसी होती है, कैसी दिखती है और कैसे वो वर्क करती है, सबको पता है। तो जो फेस और डायल, जो फेस होता है क्लॉक का, जो वॉल क्लॉक भी आप देखते हो उसका जो फेस होता है जनरली वो सर्कुलर होता है। डायल फेस और डायल भी बोल देते हैं उसको हम। ऑफ ए क्लॉक इज सर्कल, सर्कल की शेप होती है, और उसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी, ये जो सर्कल की शेप होगी इसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो जनरली डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। जैसे आप देखते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो 12 आवर्स वाला जो पार्ट होता है। लेकिन 60 इक्वल पार्ट्स मतलब यहां से 5 5 पार्ट्स करके 1 और 2 के बिटवीन 5 इक्वल पार्ट्स, 2 एंड 3 के बिटवीन 5 इक्वल पार्ट्स। टोटल जो इसमें पार्ट्स होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं इसमें, वो टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 60 पार्ट्स होते हैं। तो जो सर्कमफ्रेंस होती है इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, और जो इक्वल पार्ट्स होते हैं ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट स्पेसेस को। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो ये मिनट के स्पेसेस होते हैं, 60 स्पेसेस होते हैं। मतलब जो 1 आवर है, जो 1 आवर होता है उसमें हम क्या कहते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहां मेरे पास जो सर्कमफ्रेंस है इसको हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, तो इक्वल पार्ट्स नोन एज मिनट स्पेसेस। और जो क्लॉक है वैसे तो जनरली क्या होता है कि 3 एंड्स भी हो जाते हैं, आर एंड, मिनट एंड और सेकेंड एंड, लेकिन जनरली हम जो क्वेश्चन है उसमें हम 2 हैंड्स की बात कर रहे हैं, आर एंड और मिनट हैंड। तो जनरली एक क्लॉक हैज 2 हैंड्स इन विच द जो स्मॉलर वन होता है, जनरली हम 2 हैंड्स की बात कर रहे हैं, एक स्मॉलर हैंड और एक लार्जर हैंड। जो स्मॉलर हैंड होता है वो क्या कहलाता है, आर एंड, और जो लार्जर वन होता है, लार्जर हैंड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनट हैंड। 2 हैंड्स हैं और सबको पता है। और जो मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 1 आवर, जो मिनट हैंड है 1 रोटेशन मतलब 12 से स्टार्ट हुई और एक पूरा चक्कर लगा दिया, तो जो मिनट हैंड है वो आपको पता है 60 मिनट में, 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर कंप्लीट 60 मिनट में, दूसरा चक्कर फिर अगेन 60 मिनट में, जो मिनट हैंड है। और जो आर एंड है कंप्लीट्स 1 सच रोटेशन इन 12 आवर, मतलब जो आर एंड होता है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, तो जो स्मॉलर हैंड होता है जिसको हम आर एंड कहते हैं वो पूरा का पूरा एक चक्कर जो है वो 12 आवर्स में लगाता है। मिनट हैंड पूरा एक चक्कर 1 रोटेशन जो है वो 60 मिनट्स में लगाता है, और जो आर एंड होता है वो हमारा पूरा एक जो कंप्लीट सर्कल है, एक सर्कल कंप्लीट करता है, एक रोटेशन जो कंप्लीट करता है वो 12 आवर्स में, 12 आवर्स कहीं या 12 × 60 यानी 720 मिनट्स। मतलब मिनट हैंड एक चक्कर पूरा 60 मिनट में लगाता है, और जो आर एंड होता है वो पूरा एक जो कंप्लीट चक्कर है, एक कंप्लीट सर्कल जो पूरा करता है वो 720 मिनट्स में कंप्लीट होता है। तो मिनट हैंड ट्रेसेस, और आपको पता है कि जो एंगल होता है जनरली आप देखते हो कि मान लो मैं इतना ये एंगल कहता हूं तो इस एंगल को क्या कहते हैं, 90 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक कह देते हैं ये कंप्लीट, ये 180 डिग्री, और टोटल जो है ये क्या कहते हैं, 360 डिग्री। मतलब सर्कल का जो एंगल बनता है जनरली वो हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री। तो मिनट हैंड ट्रेसेस मतलब ट्रेस करता है 360 डिग्री, कितने टाइम में, 60 मिनट्स में। और वेयर एज द जो आर एंड होता है वो ट्रेस करता है 360 डिग्री, मतलब 1 राउंड इन 720 मिनट्स। तो इसका मतलब जो 60 मिनट है इसमें 360 डिग्री बनाता है मिनट एंड, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे यानी 6 डिग्री। तो क्या करें, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट
जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल कवर करती है, वन जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है वो पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री का जो एंगल है वो 60 मिनट में बनाती है, तो वन मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे और 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री हो जाएगा, यानी इन वन मिनट मिनट हैंड कवर्स 6 डिग्री। और इसी में अगर हम आवर एंड की बात करते हैं, इन वन मिनट आवर एंड जो है वो कितना लगाएगा, 360/720, क्योंकि आर एंड के लिए टाइम कितना है 720 मिनट, पूरा एक चक्कर 720 मिनट में लगाता है, तो वन मिनट में कितना लगाएगा 360/720, और 360 को 720 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाता है यानी 1/2 डिग्री, यानी वन मिनट में मिनट एंड कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है 6 डिग्री का, 6 डिग्री से रोटेट हो जाता है, लेकिन जो आर एंड है वो वन मिनट में हाफ डिग्री से रोटेट करता है, हाफ जो आर एंड है वो धीरे 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 मूव करता है, मिनट हैंड थोड़ा सा स्पीडली मूव करता है, सबको पता है। तो इससे रिलेटेड अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, पता होता है लेकिन जनरली हम इनको डेली लाइफ में यूज नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट है तो थोड़ा सा हमें इसको सोच के करना है, सिंपल पार्ट है, बस एक बार मीनिंग समझ में आ जाए उसके बाद क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और सीरियसली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उनको हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो जैसे सबसे पहले क्या है, इन ए पीरियड ऑफ 60 मिनट, जो 60 मिनट का पीरियड है, माइंड में सोचें 60 मिनट का जो है उसमें जो मिनट हैंड है वो कैसे मूव करती है, आर एंड जो है वो कैसे मूव करती है, तो उसके लिए देखें क्या करें, इन द पीरियड ऑफ 60 मिनट द मिनट हैंड मूव्स 60 मिनट स्पेसेस, मिनट हैंड मान लो यहां से स्टार्ट होती है तो 60 मिनट में यानी 1 आवर में कितना मूव कर जाती है, यहां से मूव करना स्टार्ट करती है, पूरा मूव करके यहां आ जाएगी मिनट हैंड, मतलब पूरा एक चक्कर लगा देगी मिनट हैंड 60 मिनट में। तो इन ए पीरियड ऑफ 60 मिनट द मिनट हैंड मूव्स 60 मिनट स्पेसेस, क्योंकि हम 1 मिनट 2 मिनट पूरा जो सर्कुलर पार्ट होता है इसको हम 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, तो 60 मिनट स्पेसेस जो है उसको कवर करती है, वेयर एज जो आवर एंड है हमारा वो मान लो यहां से स्टार्ट होता है तो वो यहां तक जाता है 1 तक, मान लो 12 से स्टार्ट होता है तो 1 आवर में 1 तक जाएगा, 2 आवर में 2 तक जाएगा, तो जो आवर एंड मूव्स 5 मिनट स्पेसेस, मतलब मिनट हैंड तो 60 मिनट स्पेस जाएगा लेकिन जो आर एंड है वो 0 ये 12 से स्टार्ट होगा तो वो 1 तक जाएगा, कितने मिनट स्पेस यूज किया, 12 से लेके 1 तक में मेरा क्या होता है 5 मिनट स्पेसेस, मिनट की फॉर्म में दोनों को हम देखना चाहते हैं क्या डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एंड मूव्स 5 मिनट स्पेसेस, देयरफॉर द मिनट हैंड अटेन्स ए गेन ऑफ 55 मिनट्स, इस पे वर्ड पे ध्यान देना है, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हमारे आगे बनते हैं, यानी 1 आवर के टाइम में वैसे तो मिनट हैंड ने 60 मिनट मूव किया लेकिन साथ साथ जो आवर एंड है हमारा उसने 5 मिनट मूव किया, तो वैसे तो मिनट हैंड ने 60 मिनट का स्पेस यूज किया लेकिन गेन कितना हुआ, अगर हम कंपेयर करें रिलेटिव गेन, मतलब दोनों में एक ने 60 मिनट घूमी है एक 5 मिनट घूमी है, तो मिनट हैंड कितना ज्यादा घूमी है, 60-5 यानी 55 मिनट्स, तो मिनट हैंड का जो गेन है किसके कंपैरिजन में, आवर एंड के कंपैरिजन में कितना गेन है 55 मिनट का, 1 आवर में कई बार यह होता है 55 मिनट कैसे आ गया, 1 आवर में घूमी तो वो जो उसने अपना एक राउंड पूरा किया वो तो 60 मिनट का ही पूरा किया है, लेकिन जो हम 55 मिनट कह रहे हैं वो इन कंपैरिजन टू जो आर एंड है, क्योंकि आर एंड भी जो 5 मिनट घूमी है तो दोनों में डिफरेंस जो है वो 55 मिनट का आता है, तो गेन जो है अटेन्स ए गेन ऑफ 55 मिनट स्पेसेस ओवर द, देखो ओवर द आवर एंड, जो आवर एंड है उससे 55 मिनट का गेन है, तो दस इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखें, दस एवरी एक्चुअल गेन ऑफ 60 मिनट, अगर एक्चुअल गेन 60 मिनट है मतलब 60 मिनट भूमि है मिनट एंड, अगर एक्चुअल गेन की बात कर रहे हैं रिलेटिव गेन की बात कर रहे हैं वो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, तो अगर एक्चुअल गेन 60 मिनट का है मिनट हैंड के लिए, अगर एक्चुअल गेन 60 मिनट का है तो जो रिलेटिव गेन होगा वो कितना होगा 55 मिनट, मतलब 60 मिनट के राउंड में
60 मिनट के राउंड में वो जो मूव करेगी वो कितना मूव करेगी, 55 मिनट। सेकंड पॉइंट है, इन एवरी आर बोथ द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन ट्वाइस। हर एक घंटे में इन वन आर दोनों जो हैंड्स हैं सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे दो बार, सेम स्ट्रेट लाइन में दो बार होंगे हर एक घंटे में, पहले घंटे में भी दूसरे घंटे में भी अगर हम देखते हैं। इन एवरी आर दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे। एक तो कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे के साथ हो। मान लो ये भी टू पे है और ये भी टू पे है, दोनों टू पे हैं, मिनट एंड आवर एंड जो है वो सेम पर है। एक क्या हो सकता है कि मिनट एंड तो इस साइड है और आर एंड इस साइड है, तो भी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो क्या करें, इन एवरी आर बोथ द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन ट्वाइस, टू टाइम्स होंगे, एंड एट वन टाइम दे आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे, मतलब दोनों एक साथ होंगे, एक दूसरे के साथ, ऑल दैट इज टूगेदर। एंड द अदर टाइम दे आर लीनियरली अपोजिट टू ईच अदर, एक इस डायरेक्शन में एक दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास। ईच आर का ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे तो उसमें टू टाइम्स, एक बार कोइंसिडेंट वाला पार्ट आ जाएगा, एक साथ होंगे, और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इन ए पीरियड ऑफ 12 आवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली जो बच्चा सोचता है फर्स्ट टाइम जब देखता तो गलत सोचता है इस पॉइंट के बारे में। क्या कह रहे हैं, इन ए पीरियड ऑफ 12 आवर्स बोथ द एंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। 12 आवर्स है, अभी ऊपर वाले में कह रहे थे अगर एक आर का पीरियड लेते हैं तो उसमें दो बार मिलते हैं, और यहां क्या कह रहे हैं 12 आवर्स में, फिर क्या लगता है, एक आर में, वन आर में टू टाइम्स है तो 12 आवर्स में कितना होता, 24। लेकिन यहां तो कुछ और ही लिख रहे हैं, इन ए पीरियड ऑफ 12 आवर्स बोथ द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन 22 टाइम्स। 12 आवर्स में 22 टाइम्स एक दूसरे के साथ होंगे, मतलब अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड जो करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का जो रोटेशन वाला भाई है तो 60 मिनट, लेकिन 60 मिनट में गेन कितना है, 55 मिनट, लगभग 66 मिनट का, जैसे यहां वर्ड यूज कर दिया था जैसे वन आवर में, लेकिन वो एक्चुअली वन आवर में नहीं होता क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रही हैं, मतलब एक स्लो मूव कर रही है एक फास्ट मूव कर रही है, तो गेन भी आपने देखा है वन आवर में 55 मिनट का है, मतलब दोनों अपना एक जो राउंड एक के हिसाब से पूरा करती है ना, रिलेटिव गेन वाला पार्ट देखें तो 60 मिनट में नहीं होता, वो 66 मिनट के आसपास होता है कुछ। तो इसलिए जो एक साथ मूव वाली बात आती है, अगर 12 घंटे एक साथ आप घड़ी पे नजर रखोगे तो वो आपको स्ट्रेट जो लाइन बनेगी वो 1 आवर का 2 और 12 आवर्स का 24 नहीं होगा, 2 और 12 आवर्स का रिलेटिव का हिसाब देख के अगर आप करोगे तो वो 22 टाइम्स बनेगा, 22 टाइम्स, क्योंकि जो एक्चुअल गेन है वो रिलेटिव गेन है उसके हिसाब से डिफरेंस अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे, 66 मिनट के आसपास कुछ आएगा तो उससे ही वो क्लियर हो जाता है। इन फैक्ट बोथ द हैंड्स कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर वाला जो पार्ट होता है कोइंसाइड, मतलब टुगेदर वाला जो पार्ट होगा वो 11 टाइम्स होगा, और एक दूसरे के अपोजिट जो होंगे वो, जैसे एक बार यहां हो गए, 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 तो इस टाइप के 11 ऐसे होंगे, 11 एक बार एक के आसपास आ गए, दोनों एक दो के पास आ गए, तीन के पास आ गए, चार के पास आ गए, पांच के पास आ गए, तो वो जो है 11 वो होंगे। सोच के देखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है, कई बार हम सोचते हैं एक दूसरे के ऊपर 1 बजे आ गए, 2 बजे आ गए, वो सोच के देखना वो 11 बार बनता है, 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता कि एक दूसरे के ऊपर, जनरली हम सोचते हैं एक के ऊपर आ गए दोनों, वो एक के ऊपर नहीं आते, एक से थोड़ा सा आगे आते हैं, कहने को कह दिया एक, ये जो वन है ये वन है, वन पे ही मिनट एंड है और वन पे ही आर एंड है, वो वन पे नहीं होती, वन से थोड़ा सा आगे होती है, टू वाली थोड़ा सा और आगे, ये नहीं है कि ये टू पे दोनों आएंगी नहीं, टू से थोड़ा सा आगे आएंगी, थ्री पे नहीं है कि दोनों तीन पे ही है, एक तीन से थोड़ा सा आगे करते वन का डिफरेंस आ जाता है। 12 आवर्स में ये एक दूसरे के ऊपर ऑल टुगेदर वाला जो पार्ट है, कोइंसाइड वाला पार्ट है, वो 11 टाइम्स होता है, और रिलेटिव वाला जो अपोजिट वाला जो पार्ट होता है वो भी 11 टाइम्स होता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या करें, इफ द टू हैंड्स कोइंसिडेंट दे आर
जीरो मिनट स्पेस अपार्ट, भाई जब दोनों एक दूसरे के साथ क्वाइंसाइड करती हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में जो टाइम स्पेस है वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो वो जो मिनट स्पेस होगा वो जीरो होगा। इफ द टू हैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो देन दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टूगेदर, एक दूसरे के साथ हैं, ऑल टूगेदर है, कोइंसिडेंट वाला पार्ट है, तो जीरो स्पेस है। लेकिन अगर ये वाला पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट है कि एक यहां है और एक यहां है, तो इनके बीच में ये जो आप देख रहे हो मिनट का जो है, मिनट का कितना है, 30 मिनट स्पेस हो जाएगा, 30 मिनट, क्योंकि टोटल कितना होता है 60 मिनट, और ये उसका हाफ है। मतलब जब स्ट्रेट लाइन बनेगी, जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो हमें पता होना चाहिए उनके बीच में जो मिनट स्पेस की बात कर रहे हैं, एंगल तो 180 डिग्री है, एंगल तो 180 डिग्री है, लेकिन मिनट स्पेसेस की बात करते हैं तो जो मिनट स्पेसेस होगा वो 30 मिनट्स का होगा। तो टुगेदर दे आर ऑफ 30 मिनट स्पेसेस अपार्ट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो स्पेस जो होगा वो 30 मिनट का होगा। जब एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट वाला केस है तो जीरो मिनट स्पेस है, लेकिन अपोजिट है, एक यहां है एक यहां है, तो दोनों के बीच में एंगल तो 180 डिग्री है, लेकिन मिनट की बात करेंगे तो 30 मिनट स्पेस होगा। टू हैंड्स आर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स पे मतलब एक यहां है और एक यहां है, एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन मिनट का कितना डिफरेंस आएगा, 15 मिनट स्पेसेस होगा, क्योंकि मान लो ये 12 है ये 3 है, तो इसका मतलब 15 मिनट, 12 और 3 वाला जो पार्ट पॉइंट है उनके बीच में जो मिनट होते हैं वो 15 मिनट होते हैं। तो जो राइट हैंड, टू हैंड्स आर एट राइट एंगल्स अगर हैं, तो वो जो स्पेस होगा 15 मिनट स्पेसेस होगा। इन वन आर दे फॉर्म टू राइट एंगल्स, इन वन आर दे फॉर्म टू राइट एंगल, मतलब मान लो वन आर में एक राइट एंगल यहां बन गया, एक कहीं दूसरी जगह बन गया राइट एंगल, तो टू राइट एंगल्स बनेंगे। और 12 आवर्स में जो टोटल राइट एंगल्स बनेंगे, देखना बना बना के, क्योंकि ये नहीं कि यहाँ कोई कह दिया पहले यहाँ 3 पे बन गया, फिर वो 6 यहाँ बन गया, ये बन गया जी, फिर ये बन गया जी, फिर वो बन गया। 1 आवर में 2 टाइम्स बनेंगे राइट एंगल, और 12 आवर्स में जो राइट एंगल्स बनेंगे वो 22 टाइम्स बनेंगे, ये ध्यान रख लेना। एंगल ट्रेस्ड बाई आर एंड इन वन आर में कितना एंगल बनेगा, किससे, आर एंड से, 360 डिग्री अपॉन 12 यानी 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 12 आवर्स होते हैं, तो क्या होगा 360 अपॉन 12 यानी 30 डिग्री। भाई वन आवर में जो पार्ट है ये आपकी मान लो 12 पे है, ये आपकी 12 से यहां 1 पे गई, तो दोनों के बीच में 5 मिनट का होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो 5 मिनट में कितने हो जाते हैं 30 डिग्री, उस वे में समझ लो, या जो ये फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन 12, भाई 12 आवर्स में आर एंड जो होती है, आर एंड जो होती है 12 आवर्स में कितना एंगल बनाती है 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना एंगल बनाएगी 360 अपॉन 12, और 360 अपॉन 12 यानी 30 डिग्री। और इसी वे में एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट एंड इन 1 मिनट कह रहे हैं, पूरा राउंड 60 मिनट में लगाती है, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री, तो मिनट एंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 360 डिग्री अपॉन 60 यानी 6 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, इजीली समझ के करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो पॉइंट है जो मैं बात कह रहा था कि जो 12 आवर्स में 22 क्यों हो जाता है, 24 क्यों नहीं होता, अगर इस पॉइंट से आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान रख ले, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। और एक बार घड़ी को भी देख लेना, यस जब वो मिल रही है तो वो कहाँ मिल रही है, और सोच के देखना, अच्छा यहाँ मिली है, वहां मिली है, वहां मिली है, कितनी बार मिलेगी, घूमती रहेगी तो कितनी बार मिलेगी। उसके लिए देखें इफ रिलेटिव गेन कितना बताया था लास्ट स्लाइड में, 55 मिनट का, कितने में एक्चुअल कितना था 60, एक्चुअल गेन अगर 60 मिनट है, मिनट हैंड एक्चुअली अगर 60 मिनट मूव करती है, मिनट हैंड एक्चुअली 60 मिनट मूव करती है, लेकिन जो आर एंड है वो भी कुछ मूव करती है, तो जो रिलेटिव गेन होता है वो 55 मिनट का होता है, 55 मिनट का, 55 मिनट का गेन कब है, जब वो 60 मिनट घूमती है, मिनट हैंड जब 60 मिनट घूमती है तो रिलेटिव गेन कितना होता है 55 मिनट का।
वन आवर, रिलेटिव वन आवर का कब होगा? 60 मिनट का रिलेटिव गेन 60 मिनट का कब होगा भाई? 55 मिनट तो एक्चुअल 60, 1 मिनट कहते हैं तो क्या होता 60 अपॉन 55, और 60 मिनट का अगर एक्चुअल गेन कहते हैं तो क्या होगा इनटू 60, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से 12, 5 से 11, 12 इनटू 60, 720 अपॉन 11 मिनट, और 720 अपॉन 11 मिनट को अगर 720 को 11 से डिवाइड करोगे तो 65 को एग्जैक्ट मिनट हो जाएंगे और 5 बाई 11 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है 65 एंड 5 बाई 11 मिनट, 1 आर का जो रिलेटिव गेन आएगा भाई दोनों में मूवमेंट 1 आर की हो जाएगी एक दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों मूव कर रही है तो रिलेटिव कितना चेंज आया, तो रिलेटिव 1 आर का जो चेंज आता है वो 65 एंड 5 बाई 11 मिनट में आता है, यानी 1 आर से ज्यादा टाइम में। इसीलिए जो 12 घंटे है ना, देखो 5-5 मिनट और उससे एक्स्ट्रा वाला टाइम जो 1 आर कवर कर लेगा, 11 बार तो आएगी वैल्यू लेकिन 5-5 मिनट 11-55 हो गया और लगभग 1-1 मिनट का, हाफ हाफ मिनट का जो पार्ट है टोटल 60 मिनट हो जाता है। तो यानी 12 आवर्स में वो 24 या 12 नहीं होगा, वहां 12 आवर्स की जब बात करते हैं तो वहां 22 और 11 वाला पॉइंट आता है, वो ध्यान रखना है। और वो जो रीजन है उसका वो ये वाला पार्ट है, 1 आवर में तो 55 मिनट का डिफरेंस आता है, 55 मिनट स्पेस आता है, 60 मिनट का स्पेस जो आता है वो 65 एंड 5 बाई 11 मिनट में आता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना जरूरी है। देखो यहाँ ये भी रहते हैं, सो द मिनट हैंड एंड आर हैंड आर टूगेदर, एक दूसरे के साथ जो होते हैं उसके लिए क्या है, दे कॉइंसाइड आफ्टर एवरी, एक दूसरे के साथ जो मिल रहे हैं वो कॉइंसाइड कर रहे हैं या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो 60 मिनट में नहीं है, वो 65 एंड 5 बाई 11 मिनट में है। अगर ये पॉइंट समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप घड़ी को देखना कि जो वो मूव कर रहे हैं वो पहले एक दूसरे के साथ हैं या एक दूसरे के साथ हैं या एक दूसरे के अगर अपोजिट हैं तो घड़ी को देखते रहो, जब एक दूसरे के अपोजिट जब आएंगे तो वो 60 मिनट में नहीं आएंगे। मान लो पहले यहाँ है फिर उसके बाद ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आई है ना, अगर ऐसा कोई रोटेशन बन रहा है तो वो 60 मिनट में नहीं बनेगा, वो 65 एंड 5 बाई 11 मिनट में बनेगा। तो 1 आवर नहीं होता, वो 1 आवर से ज्यादा टाइम लेते रहते हैं। तो जो 12 घंटे लगता है ना, 12 बार घूम रही है वो, 12 बार नहीं वो 11 बार घूमती आती है एक दूसरे के ऊपर। तो ये पॉइंट बिल्कुल सॉरी बिल्कुल इजी पॉइंट है और क्लियर हो जाता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा समझ के करो। यहां डाउट लगता तो एक बार घड़ी की तरफ जरूर देख लेना, जैसे ही घड़ी की तरफ देखोगे एक मिनट घड़ी पे, इस पॉइंट को घड़ी पे सोचोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस इजी हैं, बस जो डिफरेंस है रिलेटिव गेन है उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड एट टाइम 10 मिनट पास्ट 5 का मतलब क्या है कि नून में मतलब 12 बजे स्टार्ट करती है, 12 बजे उठे जब दोपहर में, उसके बाद स्टार्ट किया 10 मिनट पास्ट 5 का मतलब क्या है कि यहां से अगर ये था मेरा, ये 12 था, यहां मेरा 5 था, यहां मेरा 6 था, तो 10 मिनट पास्ट 5 का मतलब क्या है 5:10, तो 5:10 में मतलब ये यहां से मूव करके जब ये यहां आएगी यानी 5:10 पे, तो जो एंगल कितना होगा ट्रेस्ड बाई आर एंड, तो आर एंड जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ उसने और वो यहां आई, तो उसने जो ये एंगल बनाया है ये एंगल कितने डिग्री का बनाया है ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 10 मिनट पास्ट 5 का मतलब क्या होता है 5 आवर्स 10 मिनट, 10 मिनट पास्ट 5 का मतलब क्या होता है 5 आवर्स 10 मिनट, तो 5 आवर्स है 10 मिनट्स है, मिनट्स को भी आर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि 1 आवर के हिसाब से हमें डिग्री का पता है, तो टोटल को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 मिनट को क्या ले सकते हो 10/60 आवर्स, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 एंड 1/6 आवर, या 5 × 6 = 30, 30 + 1 = 31, यानी हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं 31/6 आवर्स, और 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल होता है अभी बताया है, एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन 1 आवर, जो आर एंड है वो 1 आवर में कितना होता है 360/12, और 360/12 मतलब 30 डिग्री, तो 1 आवर में 30 डिग्री है तो 31/6 आवर्स में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया, तो एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन 31/6 आवर्स क्या हो जाएगा 31/6 × 30, 6 से कैंसिल होगा 5, 31 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 155 डिग्री, यानी ये जो एंगल आप देख रहे हो ये जो एंगल आप देख रहे हो ये एंगल जो है ये एंगल कितना होगा
155 डिग्री का, बस यही तो बताना है। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द आर एंड एंड मिनट एंड व्हेन द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20 AM है। तो इसमें थोड़ा सा एक जो पार्ट है ना, अगर हम उस चीज को समझ के करें, 4:20 है, 4:20 वाले में पार्ट में आपको पता है कि यहाँ आपका 3 बजे का टाइम होता है, मान लो यहाँ 4 का होता है, तो यहाँ 4:20 के आसपास जो ये मान लो 4 पे के से थोड़ा सा आगे आर एंड है, और ये 4 पे एग्जैक्ट 4 पे ये मिनट एंड है। ऊपर वाली थोड़ी सी में यहां से मान लो ये मेरी आर एंड है और ये मेरी मिनट एंड है, तो ये हमें लगता है कि ये मेरा क्या बन गया टाइम जो है 4:20 में क्या होगा कि जो आर एंड है वो 4 से थोड़ा सा आगे होगी और मिनट एंड जो है वो 4 पे होगी, तो वो 4:20 टाइम होता है। तो हमें ये जो एंगल है, जो एंगल है यानी ये जो एंगल है, मुझे ये एंगल बताना है कि कितने डिग्री है। तो इस एंगल को बताने के लिए अगर जैसे मैंने भी लास्ट क्वेश्चन किया था, अगर उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग यहां से मान लो मैं ये कहता कि यहां मेरी पहले आर एंड है और यहां से ये यहां आई, तो एक तो मैं इस टोटल एंगल को फाइंड आउट कर लूं, मतलब आर एंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूं, और एक मैं ये जो मिनट हैंड है ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूं। इस बड़े वाले एंगल में से इस छोटे वाले एंगल को माइनस कर दूंगा तो इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, बस मुझे ये पता होना चाहिए, और वो हम लास्ट क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो 4:20 जो 4:20 है, इससे मैं आर एंड का जो है वो एंगल निकाल लेता हूं, तो 20 मिनट्स को क्या लिख सकते हो, 20/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 को कैंसिल करोगे 3, 4 and 1/3 hours या 13/3 hours, और 1 hour में हमें पता है आर एंड जो है वो कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री, एंगल ट्रेस बाई आवर एंड इन 1 hour, 1 hour में कितना होता है 30 डिग्री, तो 13 by 3 hours में कितना होगा, तो एंगल ट्रेस बाई आवर एंड इन 13/3 hours क्या हो जाएगा, 13/3 into 30, 3 से 10, 13 into 10, 130 डिग्री, और मिनट एंड का तो पता ही है, मिनट एंड 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 into 20, 120 डिग्री, जो एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होता है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट हैंड, 12, 20 into 6 यानी 120 डिग्री, ये मेरा 130 था, ये मेरा 120 है, टोटल एंगल 130 है, मिनट हैंड वाला 120 है, दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल बिटवीन टू हैंड्स आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा 130 - 120 यानी 10 डिग्री, तो 10 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आराम से सोल्व करें, धीरे धीरे मीनिंग समझ के करेंगे, एक बार कर लोगे, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार किया और काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 minutes past 5, 15 minutes past 5 का मतलब 5:15, आल्सो कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्या मतलब है कि जो एंगल आप फाइंड आउट करोगे, मान लो वो थीटा है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 - थीटा, तो पहले वाला एंगल जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है वो फाइंड आउट कर लो और फिर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, 180 - थीटा उससे आ जाएगा। तो 15 minutes past 5 है, तो 15 minutes past 5 का मतलब क्या, 5 hours 15 minutes, तो 5 hours 15 minutes, 15 minutes को क्या कह सकते हो 15/60 hours, 15 से 60 को कैंसिल करोगे 4, 5 and 1/4 hours यानी 21/4 hours। सेम क्वेश्चन जैसे पहले किया था, एंगल ट्रेस बाय आर एंड इन 1 hour कितना होता है 30 डिग्री, 1 hour में 30 डिग्री है, तो 12/4 hours में कितना हो जाएगा 21/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ट्रेस बाय आर एंड इन 21/4 hours क्या हो जाएगा 21/4 into 30, ये 15, ये 2 मल्टीप्लाई करो तो 157 डिग्री एंड हाफ, 157 and half डिग्री आ जाएगा। मिनट हैंड जो है, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड 1 मिनट में कितना होता है 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना होगा 90 डिग्री, 15 मिनट में कितना होगा 90 डिग्री, वही सेम क्वेश्चन है भाई। यहां मेरा मान लो 5 है, ये 6 है, तो जो आर एंड होगी वो यहां कहीं होगी और जो मिनट एंड है वो मेरी, मान लो ये आर एंड है और ये मिनट एंड है, तो ये एंगल फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, पहले ये बड़े वाला एंगल फाइंड आउट किया और उसमें से इस छोटे वाले एंगल को
माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास जो पार्ट है वो कितना आ जाता है, 157 माइनस 90 यानी सॉरी सॉरी, ये जो पार्ट है इसमें 515 है, मैंने 525 बना दिया, 515 है। तो 515 वाले में ये आपका मान लो 5 है और ये 3 है, तो यहां से जो आर एंड होती है वो 5 से थोड़ा सा आगे होगी और जो मिनट हैंड है वो 5 पर होगी, मिनट हैंड 5 पर होगी। तो हमने जो ये पार्ट सॉल्व किया है, एक यहां से अगर मैं देखूं, एक तो ये एंगल सॉल्व किया है हमने, ये वाला एंगल कितना है 157.5 डिग्री, और ये यहां से लेकर यहां तक का जो ये एंगल है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो 157.5 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये मतलब 3 और 5 वाला जो आर एंड और मिनट एंड है इनके बीच में जो एंगल है वो आ जाएगा मेरे पास, और वो रिक्वायर्ड एंगल कितना आ जाएगा, 157.5 माइनस 90 डिग्री करेंगे तो 67.5 डिग्री, और इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल जो है, रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन टू हैंड्स 180 माइनस 67.5 डिग्री, और 180 में से 67.5 डिग्री माइनस करोगे तो 112.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट है, लंदन टाइम इज 5.5 आवर्स बिहाइंड दिल्ली टाइम, जो हमारा दिल्ली का टाइम है उससे लंदन का जो टाइम है वो 5.5 आवर्स पहले है, बिहाइंड है। तो कह रहे कि अगर व्हाट इज द टाइम इन इट इज लंदन व्हेन इट इज 2:35 AM इन दिल्ली, दिल्ली का जो टाइम है 2:35 है, तो जो लंदन का टाइम होगा वो कितना होगा, इससे पीछे चल रहा है तो इसमें से 5.5 घंटे माइनस कर देंगे, इसमें से 5.5 घंटे माइनस कर देंगे। अगर मेरे पास ये 10 बजे का टाइम दिया होता, कोई 10 AM दिया होता, तो 5.5 घंटे माइनस करने में क्या दिक्कत लगती थी, 4:30 बज जाते। लेकिन ये जो है 2:35 AM है, तो उससे पहले जाएंगे तो वन डे में तो 24 आवर्स होते हैं ना, तो इसको हम 2:35 को हम क्या मान लेंगे, 24 + 2 = 35, यानी 24 + 2 = 35, यानी 26 + 35, और इसमें से हम 5:30 माइनस कर देंगे। लंदन का टाइम फाइंड आउट करने के लिए 5:30 माइनस करना था, तो 2:30 में से जैसे कैरी करते हो, डिजिट वाले होते हैं तो 10 होता है तो 1 बोरो हो जाता है, 1 कैरी हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होते हैं। लेकिन यहां हम एक दिन पीछे जाना चाहेंगे तो रात वाला जो टाइम निकालना है वो क्या हो जाएगा, मतलब अगर दिल्ली का टाइम 2:35 AM है, दिल्ली में सुबह 2:35 है, तो जो लंदन में रात को का टाइम होगा 12:21 होता है, नहीं 9:05 रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 और 3 o'clock, 2 और 3 o'clock विल द हैंड्स एट ए क्लॉक आर टुगेदर, 2 और 3 बजे के बीच में जो हैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कब होंगे, तो 2 और 3 के बीच में है। तो पहले अगर हम देखें कि मान लो ये 2 बजे का टाइम है, ये हार एंड है, ये मिनट एंड है, ये 2 बजे का टाइम है, तो जब दोनों एक दूसरे पर आएंगे 2 और 3 बजे के बीच में, एक दूसरे के साथ होंगे, तो वो क्या होगा कि ये 2 बजे वाली जो है आर एंड, ये भी थोड़ी सी आगे आएगी, ये भी थोड़ी सी आगे आएगी मिनट एंड, मतलब जब यहां से चलना स्टार्ट करेगी ये और यहां तक आने के लिए एक दूसरे के ऑल टुगेदर या कॉइंसाइड वाला जो पार्ट होता है, तो इसका मतलब मिनट हैंड कितना ज्यादा चलेगी। भाई 2 बजे है, 2 और 3 बजे के बीच में मान लो ये मिनट हैंड है, 2 बजे बजते हैं, आपको पता ही है 2 कैसे बजते हैं, ऐसे 2 बजते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है। तो जब एक दूसरे के साथ होंगे, मतलब जब यहां होंगे थोड़ा, ये थोड़ा सा आगे आएगी और ये जो आर एंड है ये थोड़ा सा यहां आएगी, वो जो टाइम है वो क्या है वो निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग यानी जो मिनट हैंड का है, तो इसका मतलब यहां आर एंड तो इतना चलेगी, मिनट हैंड जो है वो 10 मिनट ज्यादा चलेगी, मिनट हैंड को 10 मिनट ज्यादा चलना है यहां तक आने में। ये 2 बजे का टाइम है, टाइम स्टार्ट होता है, चलते जाओ अपनी घड़ी में 2 बजा लेना, और उसके बाद देखते जाओ कि दोनों एक दूसरे के साथ कॉइंसाइड कब करती है, वो जो टाइम आप निकालोगे वो टाइम ये आएगा, देख लेना, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता लेकिन कैलकुलेशन से पता चलेगा इतना है, वो अभी हम देखते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि 2 बजे से चलती है, तो हमें जो क्वेश्चन में माइंड सेट करना है वो हमें जो टाइम स्पेस है मिनट हैंड ने कितना ज्यादा गेन करना है, बस इस पॉइंट को अगर हम समझ जाते हैं, जितने भी हम आगे क्वेश्चंस करें उसमें मिनट हैंड का गेन कितना है
मतलब मिनट हैंड ज्यादा चलती है आर हैंड से, ये सबको पता है, लेकिन जो क्वेश्चन में जो काम करने के लिए कहा गया है उस काम को करने में मिनट हैंड ने कितना ज्यादा चलना है वो देखना है। तो भी यहां से मान लो आपको पता है कि ये 2 बजे हैं, और जब एक दूसरे के साथ जब आएंगे तो ये मान लो मेरी आर एंड है और ये मेरी मिनट एंड है, तो आवर एंड जो है वो तो यहां तक चली, मिनट एंड यहां से चली यहां तक चली, तो मिनट एंड कितना ज्यादा चली, 10 मिनट, बस 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके करना है। तो एट टू ओ क्लॉक द आर एंड जो है वो 2 पर होती है और जो मिनट हैंड होती है वो 12 पर होती है, सबको पता है। तो इसका मतलब जो स्पेस है मिनट स्पेस दोनों के बीच में, मिनट स्पेस कितना है, 10 मिनट स्पेस है, दे आर 10 मिनट स्पेसेस अपार्ट, बस ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, इसके हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो टू बी टुगेदर वो एक दूसरे के साथ जब भी होंगी तो उसके लिए मिनट हैंड को कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, 10 मिनट ज्यादा चलना पड़ेगा, बाकी तो दोनों बराबर ही चलेंगे, 10 मिनट ज्यादा। द मिनट हैंड मस्ट गेन 10 मिनट स्पेसेस ओवर द आर एंड, आर एंड से 10 मिनट ज्यादा चलना है। तो वी नो दैट व्हेन द मिनट हैंड, ये जो हमने पॉइंट किया था वही है, बस हर एक क्वेश्चन में हम यही लिखते हैं, वी नो दैट मिनट हैंड मूव 60 मिनट स्पेस, 60 मिनट स्पेस, द आर एंड जो मूव 5 मिनट स्पेस, तो रिलेटिव गेन कितना होता है 55 मिनट का, रिलेटिव गेन कितना होता है 55 मिनट का, 55 मिनट का गेन कितने टाइम में होता है, 60 मिनट में, तो 60 मिनट का गेन कितने में होगा, या इसे सीधा 10 मिनट का भी निकाल सकते हैं वैसे तो, इफ द रिलेटिव गेन 55 मिनट, सीधा ही निकाल रहे हैं, 55 मिनट का गेन है कितने मिनट में, 60 मिनट में, 1 मिनट का गेन कितने में होगा, 60/55, 10 मिनट का कितने में होगा, इंटू में 10, वो आंसर आ जाता है। हर एक क्वेश्चन में यही पार्ट हम करते हैं, तो वही कह रहे हैं 10 इफ द रिलेटिव गेन इज 55 मिनट, एक्चुअल गेन कितना है 60 मिनट स्पेस, तो रिलेटिव गेन 10 मिनट का स्पेस कितने टाइम में होगा, एक्चुअल गेन कितना होगा 60/55 इंटू 10 मिनट, सिंप्लीफाई कर लो, 5 2 10, 5 से 11, यानी 10 एंड 10/11 मिनट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। द हैंड्स विल कोइंसाइड एट 10 एंड 12/मिनट स्पेसेस पास्ट टू, पास्ट टू क्यों कह रहे हैं कि टू से आगे 10 एंड 10/11 स्पेस जो होगा उस पे वो मिलेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम बिटवीन, वो 2 और 3 o'clock की बात थी, अब क्या कह दिया, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 o'clock, 4 एंड 5 o'clock द हैंड्स ऑफ द वॉच विल इन अपोजिट डायरेक्शन, उसमें था ऑल टूगेदर, बोथ टूगेदर, कोइंसाइड वाला पार्ट था। अब अपोजिट का मतलब एक अगर यहां है तो दूसरा यहां है, पहले दोनों एक दूसरे के साथ थे, अब ऐसे है 4 और 5 बजे के बीच में, तो बस हमें थोड़ा सा जो पार्ट है वो तो सोल्व करना ही है। तो हमें ये देखना है कि देखो 4 बजे का टाइम ये होता है, आर एंड 4 पे और मिनट हैंड 12 पे, वही लिखना है, दोनों के बीच में कितने मिनट का स्पेस हो जाएगा भाई, 1 मिनट में एक पे जो आती है 1 आवर का जो टाइम होता है उसमें 5 मिनट का होता है, तो 4 आवर में कितना हो जाएगा 20 मिनट का स्पेस, तो एक तो स्पेस है 20 मिनट का, और एक क्या है एक दूसरे के ऊपर आने वाली बात होती तो स्पेस 20 मिनट का होता, टुगेदर वाली बात होती, लेकिन अब क्या है कि आर एंड यहां है और मिनट एंड यहां है, दिखाने में ऐसे दिखा रखा है कि ये 4 पे और ये 10 पे, लेकिन वैसे क्या होगा कि दोनों मूव करेगी तो वो आगे और मूव करेंगे, लेकिन जनरली क्या है कि मूव कितना आ रहा है, ये मान लो 4 पे ही हो तो ये 10 पे हो, वो बात अलग है, वो थोड़ा सा आगे जाएगी वो आगे जाएगी, लेकिन हम रिलेटिव गेन कितना है, हमारा इंटरेस्ट इन क्वेश्चन में क्या है कि जो रिलेटिव गेन कितना होता है वो निकाल लें और उसके बाद क्वेश्चन हमें सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहले वाले में मैंने 2 आवर्स की बात थी तो 10 मिनट्स का गेन मान लिया था क्योंकि वो कोइंसाइड वाली बात थी, टुगेदर वाली बात थी, अब अपोजिट वाली बात है, अपोजिट वाली बात है तो एक तो 20 मिनट का तो पहले ही है 4 बजे से लेकर आगे स्टार्ट किया, और अपोजिट वाला पार्ट एक ये और हो जाता है, और ये जो पार्ट होता है ये कितना होता है 30 मिनट, यानी 20 मिनट तो पहले लेना है गेन और फिर 30 मिनट का और गेन लेना है, यानी टोटल जो गेन लेना है वो 50 मिनट का गेन लेना है, बाकी सारा काम सेम है, बस गेन कितना लेना है वो हमें पता होना चाहिए, बात जो कही है वही सेम एज इट इज है। क्या है एट 4 o'clock द आर एंड जो होती है वो 4 पे होती है और मिनट हैंड जो होती है वो 12 पे होती है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कितना स्पेस हो जाता है 20 मिनट स्पेस, दे आर 20 मिनट स्पेसेस अपार्ट, तो टू हैंड्स आर ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो दोनों हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसका मतलब और कितना गेन चाहिए फर्दर,
30 मिनट्स का, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो व्हेन दे आर 30 मिनट स्पेसेस, तो ओवरऑल टोटल जो गेन है, मिनट हैंड मस्ट गेन, मिनट हैंड को पूरा कितना गेन करना पड़ेगा, 20 + 30 यानी 50 मिनट्स का गेन करना पड़ेगा। तो 50 मिनट, सो द रिलेटिव गेन जो है, रिलेटिव गेन कितना है, 50 मिनट्स का है, और रिलेटिव गेन 50 मिनट्स का है तो इसका मतलब वही हमें पता है, 55 मिनट्स का रिलेटिव गेन कितनी देर में आता है, 1 आवर में, 60 मिनट्स में, वही लिखेंगे, वी नो दैट रिलेटिव गेन 55 मिनट्स का कितने में आता है, 60 मिनट में, कितना चाहिए हमें, 50 चाहिए, तो 55 का गेन है किसमें, 60 में, 1 का किसमें होगा, 60/55 में, कितना चाहिए, 50 का, तो 50 का चाहिए, तो इसका मतलब 60/55 × 50, इसको सॉल्व करेंगे तो वो आंसर का पार्ट बन जाएगा मेरा। सो रिलेटिव गेन 50 मिनट्स का हो तो क्या होगा, 60/55 × 55, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 600/11 यानी 54/6/11, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन में किस टाइम होंगे, 54/6/11 मिनट पास्ट फोर, मतलब 4:54, 54/6/11 मिनट, यानी कहने का मतलब है यहां जो ये दिखाया गया है, ये जो पार्ट दिखाया गया, ये जो है ये ऐसे नहीं बनेगी, दिखाने के लिए दिखाया है क्योंकि हमने केवल रिलेटिव गेन देखना था कि भी 4 से 10 पे अपोजिट में 50 हो जाएगा, लेकिन जो मिलेंगी वो जो होगा वो क्या होगा, 4:50 नहीं, 4:54 चौवन, 54/6/11, मतलब ये अगर 11 होता है, ये 12 है, तो ये 4 है, तो जो आर एंड है ये ऐसे होंगी, मतलब ये ऐसे, ये डॉट, ये आर एंड होगी और ये मिनट एंड होगी, मतलब 4:55 54/6/11 है ना, अप्रोक्सीमेट 55, मतलब 11 को टच करता हुआ, टच नहीं करेगा, टच करेगा तो 55 मिनट हो जाएगा, 55 मिनट से जस्ट पहले, ये इनकी एक्चुअल पोजीशन होगी, ये जो पोजीशन यहां दिखाई गई है ये है जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग गेन, टोटल गेन कितना हुआ, कहां जाना है तो वो गेन निकालने के लिए, यहां नहीं होगा, एक्चुअल फिगर क्या होगा, ये तो भाई 55 मिनट की बात कर रहे हैं, 55 मिनट मूव करना है यहां से, 12 से मिनट हैंड को 55 मिनट मूव करना है, तो जब मिनट हैंड 55 मिनट मूव करेगी तो जो आर हैंड है वो भी तो कुछ ना कुछ मूव करेगी, 4 पे ही नहीं रुकेगी, बस ये था जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग गेन कि कितना गेन चाहिए उसके लिए है ये पार्ट, लेकिन एक्चुअल जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो टाइम क्या होगा, 4:54 मिनट, या 54/6/11 मिनट पास्ट फोर। नेक्स्ट है, फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11 o'clock, बिटवीन 10 and 11 o'clock द विल द एंड्स ऑफ द क्लॉक बी द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, सेम स्ट्रेट लाइन में, वही क्वेश्चन है वैसे तो सेम, लेकिन 10 o'clock का है, 10 o'clock है तो 10 o'clock आपको पता है ये होता है वही, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें गेन देखना है, तो 10 बजे ये शेप होगी, मिनट हैंड 12 पे होगी और जो आर हैंड है वो 10 पे होगी, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, ये अगर ये 10 पे है तो ये 4 पे होगी, ये एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो देखो अगर यहां ये मेरा एंगल 10 मिनट का स्पेस है, ये मेरा एक दूसरे के अपोजिट वाला ये स्पेस कितना होता है, 30 मिनट का, लेकिन 10 मिनट तो ये आगे है ही पहले, तो जो गेन करना होगा ना मिनट एंड में, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ऐड किया था, पहले वाले क्वेश्चन में ऐड किया था, क्या किया था, ये 20 था और ये 30 था, 20 + 30 50 हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में मिनट हैंड तो यहां है और दोनों के बीच में जो 30 डिग्री का बनता है, 30 मिनट का स्पेस बनता है, 10 मिनट का स्पेस ये ऑलरेडी आगे है, मिनट हैंड ने जो स्पेस लेना है वो स्पेस लेना है 20 मिनट्स का, बस हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पहले वाले में ऐड होके आया था, 30 ऐड हुआ था, अब 30 में से जो 10 मिनट का स्पेस जो पहले है इन दोनों के बीच में वो माइनस होगा, मतलब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 50 के लिए सॉल्व किया था, यहां पे 20 के लिए सॉल्व करना है, काम वही है, सो एट वही है 10 o'clock 10 मिनट पे होगी और वो 12 पे होगी, तो दोनों में जो स्पेस है वो 10 मिनट का है, स्ट्रेट लाइन में आने के लिए जो स्पेस चाहिए 30 मिनट का चाहिए, 30 मिनट स्पेस, तो एक्चुअल गेन कितना चाहिए, एक्चुअल गेन कितना चाहिए, 30 - 10 यानी 20 मिनट, तो वही 55 का कब है, 60 में, 1 के लिए 60/55, लेकिन कितना चाहिए 20,
तो 20 के लिए क्या क्या होगा, 60/55 × 20, ये सॉल्व कर लो और उसके बाद पास्ट टेन लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो वही है 60/55 × 20 240/11, यानी 21 and 9/11, मतलब 21 मिनट पे होगा ये। यहाँ 20 मिनट दिख रही है ना, 20 से ये थोड़ा सा आगे जाएगा, 21 मिनट थोड़ा सा, 21 मिनट ये 10 से थोड़ा सा आगे जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग यानी 21 and 9/11 मिनट्स पास्ट 10 टाइम दिया हुआ है। इस बजे इस टाइम पे 10:10 मतलब 10:00 21 and 9/11 मिनट का जो टाइम होगा उस पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो कुछ और इससे इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।